तो दोस्तों अभी इवनिंग के टाइम में निशा को लेकर निकला हूँ वॉक पे, और क्या बताऊँ आज मैं नहाया भी नहीं हूँ अभी तक। क्यों नहीं नहाया हूँ पता ही, निशा ने बताया कि नहीं अभी तक, आप लोग बताइए कि नहीं? मैंने बताया। तो गाइस पूरा सीन हो गया था सारा डॉगी के चक्कर में, डॉगी को ढूंढते ढूंढते मेरे इंस्टीट्यूट का टाइम हो गया। एक पीरियड तो पढ़ाया नहीं, फिर अगले पीरियड में पहुँचा मैं पूरा परेशान हो गया। बट चलो कोई नहीं, घर पर ही था तो सचिन भाई के रूम में बंद हो गया था वो, और ये लोग रूम बंद करके चले गए थे। पूरा एकदम दिमाग तहस नहस हो गया था मेरा भाई, ये सारा पूरा अपनी कॉलोनी के मैं चक्कर काट काट के गोल गोल भाई साहब उसको ढूंढा हूँ। मुझे लगा कि मे भी गलती से कहीं चला गया हो बाहर। तो गाइज ये तो श्योर थी, बट मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा। बट चलो फाइनली सेफ था, घर पे था, जान में जान आ गई। मैं भी सुना तो बाकी ये महारानी देख लो अमरूद तोड़ ली और खा रही है अमरूद। बाकी चलते अब घर की तरफ, बहुत ज़्यादा वॉकिंग हो गई। और आज कोई मन्ना होना कोई भी बाबू भी कोई नहीं दिख रहा है हमें, और नाम लेते शैतान हाजिर, ये देखो आ जाओ। तो गाइस नाम लेते साइकिल से शेर पे सवा शेर हमारे आ चुके अधिराज बाबू। मैं भी ढूंढ ही रहा था कि यार कोई आज नहीं है वॉक। तो गाइस ये देख लो, हाँ जरा दिखाओ मैजिक। अरे भाई साहब मेरे को क्या कर रही हो यार, इसको कान खुजाने मेरा सेंसिटिव है, कान कान की तरफ मेरा यार, मुझे कुछ कुछ लगाता है तो मुझे गुस्सा आने लगता है। जरा करके दिखाओ मैजिक, मेरे से करके देखो गाइस मैजिक। वाह वाह वाह, लेके घूम रही है ये, इसको क्या बोलते बाबू? इसको झोल झाड़ू। झोल झाड़ू भाई साहब कहती है काश फूल, क्या बोलती हो? काश फूल, एटा माने दुर्गा पूजोर आगमन। दुर्गा पूजो, दुर्गा पूजोर आगमन हो गया, काश फूल चिली फूल एगुलो। तो गाइस एगुलो गुगलो तिगलो आमी किछु जानबे ना, चल बे बाड़ी, चल बाड़ी, एकटो सामने बाड़ी चल, गाधा शयतान एक्टो तुम्हें भालू मानुष ना, चलो ये भाई साहब। जिनको जिनको प्रेस कराना है कपड़े आ जाइए लेके एकदम कपड़े भाई साहब। काम लड़की आयरन लेके घूम रही है, ये क्या खोलेगी क्या यहाँ पे स्त्री का दुकान? खोले। ले आ, ले आ, माना लाओ मुझे कपड़े आयरन कर रहे हैं। बढ़िया, हाँ ये देखो बैलेंस करके दिखाओ, ऐसा बैलेंस मत करना कि गिर जाना तुम। तो गाइस अभी सब अब फ्री हो गए। उसके पहले वाले ब्लॉग में देखा आपने सूरज प्रिया चले गए, और आज ये लोग जा रहे हैं गाइस घूमने के लिए, और हम बेसहारों का कोई सहारा नहीं है गाइस, हम बेसहारों का कोई सहारा नहीं है इन दो खूबसूरत लेडीजों को छोड़ के। तो ये बेचारी यहाँ बैठी है, मैं इधर बैठा हूँ, बाकी सभी जा रहे हैं घूमने के लिए। गाइस इस कंडीशन में तो नहीं जा सकते निशा को लेके, यू नो वेरी वेल। सो हम लोग घर पे ही रहेंगे, और ये लोग कहाँ जा रहे अभी तक पता नहीं, कहाँ जा, कहाँ रहे हो भाई, कहाँ जा रहे इतना सेंट सेंट मार के? सेंट नहीं मार रहे हैं, क्या मांग रहे बदबू मार रहे हो भाग यहाँ से। बट गाइस इट इज अ पार्ट ऑफ फन, बट सचिन भाई मनीषा और राशि तनु आशीष सभी जा रहे हैं, सिर्फ मैं और निशा और जेरी बस यही तीन रहने वाले घर में, बाकी सभी के सभी जा रहे हैं। तो अच्छा भी नहीं लग रहा, हालांकि निशा का मन था, बट इस कंडीशन में हम लोग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और बिल्कुल भी हम लोग सेफ रहना चाहते हैं, इसलिए हम लोग जर्नी नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं। क्योंकि गाइस जब डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने बोला था कि जो 7-8 मंथ अप्रॉक्सीमेट जो होता है, ये जो टाइम है अभी, ये टाइम बहुत ही प्रीसियस है हमारे लिए, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा हमें, तो इसलिए थोड़ा सा सेफ और सिक्योर रहने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हमारी बैंक को देख लो गाइस कितनी फुर्ती में है भाई, लेकिन जा रहे हैं, मुझे तो पता नहीं कहाँ जा रहे हो, क्योंकि प्लान तो कर ये कह रही जा भी चलो, क्योंकि गाइस सचिन भाई का कोई फिक्स नहीं रहता, गाड़ी बस यहाँ से निकली कि कहाँ जाना है कुछ पता नहीं। बट मीटिंग में इन्हीं की कमी थी, अब ये भी शामिल हो गई है मीटिंग में, देख लीजिए आप लोग सभी, यहाँ चल रहा है औरतों का मेला, और इसमें मेरा कोई काम नहीं, इसलिए हम चलते हैं घर के अंदर। और मानव और दोनों का टी शर्ट का कलर मैच कर रहा है, बाकी लोग सभी रेडी हो चुके हैं और मस्त अभी जा रहे हैं, नो जा रहे हैं ना सभी हम लोग को छोड़ के, टा 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 कर दो बाय 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 बाय, उठ जा, वो उठ ही नहीं रहा है भाई साहब, ओके बाय 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 बाय। तो ये सभी बाय बाय कर रहे हैं, है ना, माना भी मेरी बाय बाय कर, माना बाय बाय कर दो जल्दी से ये। तो दोस्तों अभी घर एकदम खाली सा हो गया, वो लोग चले गए हैं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई साहब मेरी आवाज़ पूरी गूंज रही घर में, कोई नहीं है, मैं निशा और जेरी, निशा भी उधर पूजा कर रही है। तो चलिए चलते हैं डिनर प्रिपरेशन करते हैं, अच्छा तो नहीं लग रहा सभी चले गए हैं, तो क्योंकि घर में थोड़ी चहल पहल रहती है तो थोड़ा मज़ा आता है, सभी रहते हैं हंसी मजाक, तो
अजीब सा लग रहा है। सूरज प्रिया भी चले गए हैं तो थोड़ा सा समझ सकते हो आप लोग। बट एनीवे मिलते हैं आपसे कल अर्ली मॉर्निंग में। The next morning. Hey family, good morning. स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रश्न में। सो गाइज, आज है संडे, छुट्टी का दिन, लेकिन बहुत सारा काम है। वैसे तो कल मैंने आधा निपटा लिया था, घर पे सब नहीं है तो इस कारण से और भी काम कम ही है। और आज संडे है और आज जीतिया भी है। बहुत लोग करते होंगे फास्ट, जिन लोगों का बेबी बॉय रहता है या फिर बेबी रहता है वो लोग ये फास्ट करते हैं। घर पे मम्मी जी, मेरी मम्मी, सब लोग ने फास्ट रखा हुआ है और बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट होता है ये फेस्टिवल। बाकी हम लोग आज घर पे दो ही जन हैं, सब तो गए हैं घूमने। दोस्तों गुड मॉर्निंग, और आज हम किचन में हम बना रहे हैं स्पेशल स्पेशल डिश। तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या बना है। मैंने पकौड़े, इन्होंने तला है ये वाली। पकौड़े किस किस चीज के हैं? तो बैगन है। पकौड़े नहीं है इसे, क्या हम लोग तो चक्का बोलते हैं, बहुत लोग पकौड़े बोलते हैं। भगवान जाने जो जो जिसको भी बोलना है बोल ले। बेसन में लपेट के जो आलू का चक्का या फिर जो सब बनता है वो सब बना हुआ है। बाकी मैंने बनाया है चावल दाल और लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी और मैंने बनाया है भुजिया। ये मेरा डिपार्टमेंट है और भुजिया के साथ साथ मैं बना रहा हूँ। एक बार दिखा दो यहाँ पे गाइस, गुजिया, बहुत लोग भुजिया भी बोलते हैं। गुजिया मिठाई को बोला जाता है। अरे नहीं, गुजिया इसे बोलते हैं। और इधर में ये बंगाली सॉन्ग्स चला के इनको बहुत मजा आता है। बंगाली गाइस, मेरा एक गाना है बहुत ही जबरदस्त, आप लोग कमेंट करें। एक गाना है टुम्पा बाबू सोना टुम्पा टुम्पा। गाइस जिसकी एक सहेली उसका नाम भी टुम्पा है। तो गाइस आज तो मैं रील्स बनाऊंगा इस टुम्पा पे, बहुत ही मस्त लगता है मुझे गाना। इसका म्यूजिक बहुत ही जबरदस्त है, बहुत सारा अच्छे अच्छे गाने से अगर समझ में आए, एंजॉय करे म्यूजिक को तो अच्छा लगता है। और घर का साफ सफाई तो हो चुका है। जेरी इतना परेशान करने लगा है ना आजकल, झाड़ू पे ही कूदने लगता है, पोछा पे ही कूदने लगता है, वो बहुत परेशान। तो इसीलिए मैंने उसको डब्बे में डाल दिया है। और जेरी मिल गया है, बताना भूल गया, जेरी मिल गया, जेरी घर में ही था। बाप रे मत पूछो, बहुत परेशान हुए थे हम लोग दोस्तों, बहुत ज्यादा परेशान, बट फाइनली मिल गया। बहुत ज्यादा अपसेट थे कल हम लोग और बहुत ज्यादा मिस कर रहे सूरज प्रिया को स्पेशली। और हम लोग उनके जो छोटा सा बेबी था सूर्या, मतलब घर पूरा खाली खाली सा, कोई है नहीं, सभी गए हैं बाहर आउटिंग पे और हम ही दोनों हैं, तो हम दोनों भी जा नहीं सकते, यू नो गाइस, क्योंकि इस समय ट्रैवलिंग इज नॉट अलाउड। ये जो मंथ है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, तो थोड़ा सा आप लोग सावधानी बरते और सेफ रहे, सिक्योर। इसीलिए गाइस हमारा प्लान है कि हम सारी कसर, हम लोग घूम के भी आए थे वहां, अभी तो घूम के ही आए थे हम लोग, जहाँ वो लोग गए हैं। बाकी कहाँ गए हैं वो लोग आप उन लोगों के ब्लॉग में पता ही चल जाएगा। तो बस फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, मोनाली ठाकुर के गाने आ रहे हैं। मोनाली ठाकुर के गाने जो दुर्गा पूजा वाले होते हैं, दुर्गा पूजा सॉन्ग्स, उसमें बहुत अच्छे लगता है ना। आपको तो नहीं पता होगा, हमें जान ली, मोनाली ठाकुर को तो पता होगा बट इनको नहीं पता। बंगाली गाना बस मैं कोई गाना चुनता है तुम पर ओ मेरा बाबा, और इनको रोंगो बोती भी अच्छा लगता है, रोंगो बोती। तो चलिए जेरी को दिखाती हूँ आप लोगों को। भाई साहब जो कल परेशान करा था उसने हालत खराब कर दी थी। जेरी बॉक्स में डाल के रखा है, इसको निकाल देंगे ना अभी, तुरंत निकल जाएगा। ऐसे खा पी के एकदम इसको सुला दी थी, अभी सोया हुआ था, गुस्सा होके सो गया था, अभी फिर जग गया है मेरा आवाज सुन के। तो चलिए पहले हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये है हमारा पूरा का पूरा, मैंने बनाया है और जबरदस्त तरीके से निशा को दिया सरप्राइज करके। आज संडे तो आज मैं घर पे रहूंगा, तो आज फुल निशा के लिए आज स्पेशल स्पेशल डिश बना के आज इसे खिलाने वाला हूँ। बाकी देखिए चक्का कितना मस्त लग रहा है, ये देखिए ठूसना शुरू कर दिए, ये अच्छा लग रहा है। चलिए गाइस तो हम भी लपेट लेते हैं जल्दी से। फैमिली गुड इवनिंग, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और शाम का समय हो चुका है और बाकी देख लीजिए एकदम घर के बाहर पूरी मंडली जमा है और आज इतने सारे लोग हैं वॉक पे हमारे साथ कि क्या बताओ। बस सभी है, माना की मम्मी भी है, ये देखिए ये एक भगवान एक कॉलोनी में लड़का दिए पांचों के बराबर, एक बच्चा ये पांचों के बराबर, ये हमारी माना है, इसको तो आप लोग सब जानते हैं। और आज एक और सभी तो को तो आप जानते होंगे, इसको नहीं चाहिए, डमरू है। आज लग रहा है मैं बिहार में पहुंच गया हूँ। गाइस फीलिंग आ रही है कि घर पे हूँ मैं पक्का एकदम। इस सरदार जी की शादी सेट हो गई है,
शादी होने वाली सरदार की। शादी में बुलाओगे? भाग रहे। वॉक करते करते निशा बोली कि चले इस प्लॉट पे चलते सचिन भाई वाले, क्योंकि वो तो है नहीं, तो थोड़ा सा देख भी लेंगे क्योंकि वर्कर सब आए हुए थे, क्या काम कर रहे थे। तो बाकी चल रहे हैं, बाकी देख लीजिए। आज गज पता है मेरे से लड़ाई की है। ये लड़ाई कह लड़ाई की, मेरा सारा कपड़ा फेंक दी थी कबर्ड से निकाल के, और 3 घंटा रूम बंद करके अकेले थी। भगवान जाने क्या कर रही थी, क्या थी चुनूंगा बंद करके। गज मेकअप का सामान सरिया रही थी, देखना एक्चुअली उसमें ना बहुत सारा पैसा भी रहता है। एक्चुअली इसको तो टैक्ट्रिस चाहिए था, क्योंकि संडे था, हमें डिस्टर्ब करता है। तो ये जानबूझ के लड़ाई की, और लड़ाई करने के बाद से क्या किए, गेट बंद कि ना मैं जाऊंगा रूम में। गाइस मैं 5-6 बार जोर जोर से एकदम पीट रहा था दरवाजा कि भाई खोल दो खोल दो, काहे लग खोलने जाए, खोल नहीं रही। मुंह देख लीजिए गाइस। गाइस फाइनली वॉक करके आ चुके हैं। मैंने बोला कि भाई चाय बनाओ, तो मुझे लगा क्या पता अभी भी नाराज हो, लेकिन चाय बना रही है। और चलिए आशा करते हैं कि आपको ये प्यारा सा ब्लॉग हमारा पसंद आया होगा। कुछ खास तो नहीं गाइस, क्योंकि सभी रहते थोड़ा मजा आता है, बट आप लोग खूब सारा प्यार सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा नया चैनल भी है इंस्पायरिंग निशा शॉर्ट्स, यानी जिसमें हमारा शॉर्ट वीडियो आता है, तो प्लीज़ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो प्लीज़ खूब सारा प्यार सपोर्ट कीजिए। मिलते कल आपसे एक अगले फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।